मिलना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग दोस्त, मेरा नाम हुआ केशव खान, मैं स्टेट यूपी डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव से बोल रहा हूं। आज अगर मैं बात करूं इस टॉपिक पे बात करने के लिए आया हूं दोस्त, तो उसका नाम है दोस्त हाउ टू इनवाइट। हाउ टू इनवाइट यानी कि हमें अपने गेस्ट को किस तरीके से इनवाइट करना है या फिर आमंत्रण करना है, इस टॉपिक पे लेके आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनविटेशन की, यानी कि हमें बातचीत लोगों से कैसे करनी है। अब इसमें बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जो शायद फर्स्ट बार मेरे सेशन को ले रहे होंगे, कुछ बार ऐसे हैं जो शायद इस क्लास को दो बार ले चुके होंगे। मैं फर्स्ट वालों से मिलना चाहूंगा, वो लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या सर हमें सिखाएंगे बातचीत करने का तरीका, हमें क्योंकि हम तो बचपन से बातचीत करते चले आए, शायद उनके मन में ये डाउट होगा, शायद सोच रहे होंगे। लेकिन दोस्त एक बात याद रखना कि हम जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, चाहे किसी भी फील्ड में जाएं, तो सबसे पहले आपको वहां का बातचीत करने का तरीका सीखना पड़ेगा। ये तो 100% श्योर है। आप इस जगह पे आए हैं तो आपको सबसे पहले इनविटेशन बातचीत करने का तरीका सीखना पड़ेगा, जिसकी बदौलत से आप अपने गेस्ट को अच्छी तरीके से इनवाइट कर सके। यस सर नो? सीधा सीधा अगर मैं बात करूं दोस्त, आप बाहर में आपने पुलिस वाले को देखा होगा, नहीं देखा? आप एक बाइक पे तीन लोग बैठ जाना और विदाउट हेलमेट विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस और उसके सामने से निकलना, वो आपको रोके क्या कहेगा? भैया दो ही लोग बैठना, ज्यादा ना बैठना, ये बोलेगा? नो सर। हेलमेट लगा लेना, ये बोलेगा? नो सर। क्या करेगा? चालान काटेगा, फाइन भी मारेगा और पीछे वाले के हो सके तो डंडा भी मार देगा। और जो गालियां मिलेंगी वो फ्री में मिलेंगी, मुफ्त में मिलेंगी? Yes or no? Yes sir. ठीक इस तरीके से अपने टीटी को देखा होगा, जो ट्रेन में होता है ना, Yes sir. चेक करता है, Yes sir. वो क्या करता है? अब विदाउट टिकट पे एसी वाले में बैठ जाओ या कहीं किसी में भी बैठ जाओ, टिकट ना हो आपके पास, आपको पकड़ेगा, बोलेगा भैया अगले स्टेशन पे टिकट ले लेना, ये बोलेगा? No sir. नहीं मेरे, वो क्या बोलेगा? तुरंत वहां पे पेन उठाएगा, फाइन, या फिर आपको वहां से अगले स्टेशन पे उतार देगा। Yes or no? ठीक इस तरीके से उस इंसान को, उस व्यक्ति को भी सिखाया गया है कि आपको किस तरीके के लोग मिलेंगे, तुम्हें किस तरीके से बात करनी है। एक पुलिस वाले को भी सिखाया गया कि ऐसे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, आपको इस लैंग्वेज में बात करनी है। Yes or no? ऐसा ऐसा इनके साथ करना है, उसको भी इंसान है लेकिन उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको सिखाया जाता है। ऐसे एक पीटी होगा, उसको भी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इस तरीके के लोग मिलेंगे। कुछ लोग नशे करके बैठ जाते हैं, कुछ लोग बहुत ऐसे काम करने लगते हैं, तो उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको सिखाया जाता है कि आपको इस तरीके के लोग मिलेंगे तो हमें कैसे करना। ठीक इसी तरीके से हमारे बिजनेस में यदि आप स्टार्टिंग करने के लिए आए, आपने सारी चीजें सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, अब आपको करना क्या है? अब आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे सबसे पहले बातचीत करने का तरीका सीखना पड़ेगा, वो चीजें कि हम अपने गेस्ट को किस तरीके से यहाँ पे इनवाइट करें। क्यों? क्योंकि हमें हर किसी को एक जैसे इनवाइट नहीं करना है, हमें लोगों को पहले समझना है। आपको आइसक्रीम पसंद है तो उसको क्या पसंद है वो चूज करना। Yes sir, no? Yes sir. ठीक इस तरीके से आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ दोस्त कि हमें सबसे पहले किसी गेस्ट करने की इनवाइट करने से पहले हमें कुछ इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा जो आज मैं आपके बीच बात करने वाला हूँ। इनविटेशन करने से पहले यानी कि इनवाइट करने से पहले हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी बातें हैं आज मैं आपके बीच में बात करने वाला हूँ, आर यू रेडी? Yes sir. आवाज नहीं आ रही? रेडी? यस सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज सिर्फ मेरी बातों को सुनना है, ज्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है जो आज मैं आपके बीच में बताने रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट है मेरे दोस्त हमारा आत्मविश्वास। सही है, पहला पॉइंट है हमारा आत्मविश्वास, यानी कि हम किसी भी गेस्ट को जब इनवाइट कर रहे हैं तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा जो आज टॉपिक में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला है हमारा आत्मविश्वास। आत्मविश्वास की अगर मैं बात करूं तो हमारा आत्मविश्वास कैसा होना चाहिए इस बिजनेस के प्रति,
कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा कितना विश्वास होना चाहिए, कितना भरोसा होना चाहिए? 100%। यस माय डियर फ्रेंड, यदि आप चाहते हो इस बिजनेस में बहुत ऊंचाई पे जाना, बहुत बेहतर बेस्ट करना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको आत्मविश्वास करना पड़ेगा। आत्मविश्वास करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त, जब तक आपको लगने लगे कि जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, इस कंपनी का बिजनेस प्लान सबसे बेस्ट, इस कंपनी का जो ट्रेनिंग क्लास है, वाकई में यहाँ से लोगों की लाइफ चेंज की जा सकती, लाइफ क्लियर की, लोगों का माइंडसेट, लोगों की पर्सनालिटी डेवलप होती इस ट्रेनिंग सेशन से। आपको लगने ना लगे कि जिस इंसान को मैं यहाँ पे आमंत्रित करने जा रहा हूँ, उसकी लाइफ यहाँ से चेंज हो सकती है। आपको ऐसा लगने लगे कि मेरे अप्लाइंस जो भी यहाँ पे मुझे अच्छी तरीके से सिखाते होंगे, तो आपको विश्वास ट्रस्ट ना हो, तब तक आप किसी को आमंत्रण ना दें। जब तक आपको ना लगे कि कंपनी बेस्ट नहीं है, जब तक आपको ना लगे प्रोडक्ट नहीं सही है, कुछ भी आपको ना लगे, तो आप आमंत्रण ना करें, इनवाइट ना करें। सबसे पहले आप उसकी जानकारी कंपनी के प्लान की, कंपनी के प्रोडक्ट की, कंपनी के ट्रेनिंग की, सारी चीजें आप वन बाय वन करके लें, यदि आप चाहते हैं बेहतर बेस्ट। यस सर और नो? यस सर। क्या है जिसकी बदौलत से सर फोन ही नहीं उठा रहा, सर आई नहीं रहा? आपने यार वैल्यू रियलाइज नहीं कराई, आपने परहेंसट ही नहीं लगाई अपने ऑफिस के, अपने काम के प्रति। वो क्या समझेगा? वो सोचेगा फैक्ट्री होगी कंपनी, चलो ऐसे चले चलो, टी शर्ट डाल लो, जींस पैंट डाल लो, काम हो जाएगा, बस ऐसे चला लो। सबसे पहले तीन चीजें पास, आप गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं तो ड्रेस कोड के साथ में ऑफिस में इनवाइट कर रहे हैं। वो चलो नहीं लेके आया अपना पहना, लेकिन ऑफिस में ड्रेस कोड उसका होना चाहिए। देख बगैर ड्रेस कोड की नहीं, चप्पल से तो आप बिल्कुल बुलाए ना उसे, पहन के जूते होने चाहिए, फॉर्मल हो या कैसे भी चलेगा, लेकिन जूते होने चाहिए। आपको रिक्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, प्लीज बिल्कुल भी नहीं करना है, टाइम समय आपका होना चाहिए। आपने बोल दिया भाई 14 तारीख की डेट लगी, पहुंचना है तो पहुंचना है, पहुंच सकता तो सही, वैसे कोई बात नहीं, रहने दे। आप ना वर्ड जरूर बोले, जो शायद आज आप बोलने के लिए डरते हैं। आप किसी को गेस्ट को इनवाइट करते हैं, आप ना वर्ड बोलते ही नहीं, और ना वर्ड बोलेंगे ना तो पॉजिटिव आएगा। देख भाई करना चाहता तो बता, वैसे कोई बात नहीं, रहने दे, मेरा एक दोस्त है, मैं उसका करूँगा। ठीक डायरेक्ट ही आप मना तो बोलेगा यार काम यहाँ पे हम कर देगा, प्लीज यार भाई मैंने तेरे लिए सीट रोक रखी है, प्लीज यार आजा, सारी चीजें रिक्वेस्ट करते हैं। जरूरी नहीं प्लीज करके रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट भी कई तरीके की होती है, बार बार फोन करना, बार बार ये करना, बार बार टॉर्चर करना, भाई निकला ही निकला, भाई हो गया कि नहीं हो गया, अरे यार आजा यार, बहुत सारी चीजें बेचते हैं यार, ये क्यों इतना परेशान, काम तो मेरा लग रहा, मुझे इसे परेशान करना चाहिए, वो नहीं होता। तो रिक्वेस्ट बहुत तरीके की होती है, तो आप रिक्वेस्ट करना बिल्कुल भी बंद कर दें। जो टाइम, जो जगह, जो डेट होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए, बल्कि उसकी होनी नहीं चाहिए। बोलते हैं ना कि भाई आज नहीं कल आ रहे, चल ठीक आज नहीं कल आ जाना, ऐसे लग रहा बाप तो ऑफिस में। यस सर नो? यस सर। दोस्त जो डेट, जो जगह होनी चाहिए, टाइम, वो आप फिक्स करें। तो दूसरा हमारा था नजरिया में देने की कला सीखनी है, कि हमें किस तरीके से लोगों को अपना ऑफर देना। नेक्स्ट है दोस्त हमारा तीसरा है, जो है ऊर्जा। ऊर्जा हमारा कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यदि हम अपना बिजनेस किसी को ऑफर कर रहे हैं, इनविटेशन यानी कि बता रहे हैं, तो हमारा ऊर्जा लेवल हाई होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, आवाज में बुलंदी होना चाहिए, और एक ऊंचा आत्मविश्वास होना चाहिए। यस सर। यस सर। सबसे पहले हमें ऊर्जा लेवल हाई, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसको दे रहे हैं। आप किसी से बात करो तो लगना चाहिए उसे कि हाँ यार, क्यों? क्योंकि आप किसी से बात करते हो ना, तो आप इसे बात 10 मिनट में स्टॉप करते हैं, वो ये नहीं देख रहा है कि आपने क्या पहन रखा है, आपकी पॉकेट में कितने पैसे हैं, वो ये नहीं देख रहा है, वो सिर्फ आपकी क्या चीजों को नोटिस कर रहा है, आवाज। तो आपकी आवाज ऊर्जा कैसी होनी चाहिए,
आप किसी से मिलो ना, उसे लगना चाहिए यार इस बंदे के अंदर दम है। आप गेस्ट को इनवाइट कर रहे हो, आमंत्रित करो, उसे रिसीव करने के लिए जा रहे हो, उसे हाथ मिलाओ, उसको लगना चाहिए कि बंदा फुल है। होता है क्या आज के बड़ा मायूस हो जाता है, उदास, हम लोग चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, आवाज में बुलंदी होना चाहिए। अब आवाज में बुलंदी होने का मतलब ये नहीं कि मैं क्या बोलते मोबाइल का मैकी फाड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, बोलो लेकिन सही से। बहुत ऐसे आज के डेट में है जो जब बात करते हैं उनके अंदर इतना डर होता है, आवाज ही नहीं निकलती। हाँ हेलो कौन भी है, टिक टिक कल पक्का निकल रहे। हाँ यानी कि इतना सीओ बात करते हैं कि कुछ पूछो ही, और इतना मायूस होके बात करते हैं जैसे उसको लगता लगता ये बहुत बंदा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, जिसकी बदौलत से वो मना कर देते आप वहां पे आवाज। हेलो हाँ रमेश भाई कैसे हो, ठीक हो? अरे यार भाई आपकी डेट लगी, आपको पहुंचना है यार, मेरी बेइज्जती हो जाएगी यार ऑफिस में, तुमने इतना बोला तो मैंने काम करवाया, करना तो बता फाइनल, वरना मेरा दोस्त है मैं उसको कल ही बुला लेता हूँ, क्लियर बता मुझे, करना ही नहीं करना तुझे। फाइनली आप एक्टिव होके आप उससे बात करें, आवाज भी बुलंदी, चेहरे पे होते ना जब मुस्कुराहट चेहरे पे होती सारी चीजें, तो गेस्ट बोलते थे जब आपको फोटो खिंचाने जाएंगे कहीं कैमरा रूम बोलता है कि प्लीज स्माइल, बोलते ही छोटी सी स्माइल आपको फोटो जब क्लिक करता तो हमेशा मुस्कुराते हो, इतनी लाइन। यस सर, इस तरीके से आप अपने गेस्ट को इन्वाइट करें, जो आमंत्रित करें, तो पूरी मुझे आत्मविश्वास के साथ मिले, क्यों? क्योंकि आप जिसको आमंत्रित यहाँ पे इनवाइट करो, मेरा आत्मविश्वास कहने का मतलब क्या है, पूरा मुझे आत्मविश्वास, क्योंकि मैं आत्मविश्वास आपको बता चुका हूँ, बार बार नाम क्यों आ रहा है, मैं फाइनली आपको बताऊं, पूरे ऊंचे आत्मविश्वास, क्यों? क्योंकि आप जिस गेस्ट को यहाँ पे इन्वाइट कर रहे हो तो आपको भरोसा क्या होना चाहिए कि जिस इंसान को मैं इन्वाइट कर रहा हूँ उस इंसान को इस बिजनेस में मैं किंग स्ट्राइकर बना के खड़ा करूंगा, ऐसा आपको पूरा आत्मविश्वास होना चाहिए। होता क्या उल्टा होता है, रमेश को तो इनवाइट कर रहे हैं, सोच रहे हैं यार रमेश आएगा तो क्या कहेगा, कहीं उसने ऐसा कह दिया तो क्या होगा, क्या वो सोचेगा तू ऐसा काम कर रहा है, वो क्या बोलेगा, बोलेगा यार तू प्रोडक्ट इस कंपनी में काम करता हो, क्या बोलेगा, सामान बेचना पड़ेगा, ये क्या कर रहा है, बड़े ऐसे मन में आपके डाउट आते हैं, बल्कि जिसकी वजह से आपका भी माइंड डिस्टर्ब होता है आपका गेस्ट। तो हमें विश्वास कैसा होना चाहिए ऊंचा कि जिस इंसान को मैं इनवाइट कर रहा हूं, जो रमेश मेरा दोस्त है ना, सीनू जो मेरा दोस्त है ना, इसको इस बिजनेस में मुझे किंग स्ट्राइकर बनाना, ऐसा आपका विश्वास होना चाहिए। और यस माय डियर फ्रेंड, यदि आपका ऐसा विश्वास हुआ तो इंसान यहाँ पे आएगा और उस कंपनी में कंपनी का किंग स्ट्राइकर बनकर भी। लेकिन आपको ऐसा विश्वास उसके प्रति आपको रखना पड़ेगा, यदि आप ऐसा नहीं रखेंगे निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव का रिजल्ट आता है। दोस्त हमारा ऊर्जा लेवल के बाद में आता है हमारा मकसद, हमारा मकसद क्या होना चाहिए, सिर्फ लोगों को इनवाइट करना, आमंत्रण देना, ये सर हम उसको फोन में सारी जानकारी देना नहीं, आपका मकसद सिर्फ गेस्ट को इनवाइट करना, आमंत्रण। बहुत ऐसे लोग हैं जो फोन में क्या करते हैं, पूरा प्लान दे, पूरा समझा, क्या यहाँ आएगा, नो सर। सिर्फ आप जो बोलते ना कि जो इनविटेशन भी दो तरीके से होता है, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है डायरेक्ट। क्या होता है, हम डायरेक्टली ऑटर लाइफ कंपनी का नाम लेके अप्रोच करते हैं, बुलाते हैं, बताते हैं सारी चीजें, ये हो गया हमारा डायरेक्ट, डायरेक्ट कंपनी से अट्रैक्ट। दूसरा हमारा होता है इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में क्या होता है, ओटलर कंपनी का नाम ना लेके सिर्फ उसको जिज्ञासा जगा देना, जिसकी वजह से हमारे पास आया काम करना, ये होता है। तो हमें जो करना है वो इनडायरेक्ट करना है, हमें कंपनी का नाम ना बता के हमें यहाँ पे बोलना है कि बहुत अच्छा सा हमें एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, जो हमारा न्यूट्रिशन हेल्थ के डिपार्टमेंट को लेकर, जिससे कि आप आए और इतनी उसे जिज्ञासा जगा देनी है, ऐसा उसे बता देना जिसकी बदौलत से वो जानने की मजबूर हो जाए। तो हमें यहाँ पे पूरा मकसद होना चाहिए सिर्फ उसे यहाँ पे आमंत्रण इन्वाइट करना।
जो भी सारा काम होगा कंपनी के बारे में, कंपनी का प्लान, कंपनी का सिस्टम, कंपनी का क्या बताना, जिसका काम है यहाँ के एम्प्लॉई। यस सर नो? यस सर। आपको बस वही 10% काम करना है, ज्यादा करना नहीं है। हमें फोन में सारी जानकारी देना नहीं है। आर यू रेडी? यस सर। चलिए नेक्स्ट है हमारा, तो पांचवा पॉइंट है कि आपको इस बिजनेस में अगर देखा जाए दोस्त, हर लोग आपके साथ में काम नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी गेस्ट आपको यदि मना कर दे कि यार भाई मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी कि रिजेक्शन को आपको पर्सनली लेना नहीं है। जो भी लोग आपको बोल रहा है कि चलो यार मैं काम को नहीं करूंगा, ठीक है, जैसे मान लिया आप अपने दोस्त को इनवाइट करो रमेश, रमेश बोल रहा है यार मैं काम को नहीं करूंगा, मना कर, अब होता है कि हम परेशान हो जाए, मायूस, अरे यार इसने मुझे मना कर दिया, ये मेरा नहीं आएगा तो मेरी कैसे टीम बनेगी, यार मेरा कैसे बिजनेस बड़ा होगा, क्या क्या सपने देखे थे, ये नहीं आएगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं। तो मेरे दोस्त एक बात याद रखना, आपको ज्यादा गहराई में सोचना नहीं है, हमारे बिजनेस में हर लोग नहीं काम करेगा, हर लोग नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त हर लोग हर क्षेत्र में कामयाब होता हर लोग इतने आर्मी के लोग ट्रेनिंग देते हैं क्या सारे लोग सक्सेस हो जाते हैं? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हर लोग यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हर लोग ही आ जाएगा, करोड़पति बन जाएगा, बाद में ठेला कौन लगाएगा, ड्राइविंग कौन करेगा, बाद में क्या बोलते हैं जूते कौन साफ करेगा, गाड़ी कौन साफ करेगा, इंसानी तो करता है ना, वो वही लोग होंगे जो आपके ड्राइवर भी बन सकते हैं, वो वही लोग होंगे जो आपके नौकर भी बन सकते हैं, वो वही लोग होंगे जो आपके को बाहर में देखा होगा बहुत ढेर सारी चीजें कर रहे हैं, तो सच में दोस्त वही इंसान बिजनेस में काम करेगा आपके साथ में मिला के, जिसके सपने बड़े होंगे, जिसके ड्रीम बड़े होंगे, जो लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहता है। बोलते ना कि इस नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, यदि आपको बिजनेस में बहुत ऊंचाई जाना है तो आपको गधे पालने की जरूरत नहीं है, आपको चार घोड़े पाल लो जो एकदम आग लगा दे निकल जाए, जिनके कहने पे धमाल मिल जाए, ऐसे लोगों को ढूंढो और वैसे लोग आपके पास 100% आएंगे मेरे दोस्त, बस सर आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको मैं परेशान नहीं होना है कि इसने मुझे मना कर दिया, चल कर दिया कोई बात नहीं, उसके नसीबे में नहीं था डायरेक्ट सेलिंग, उसके किस्मत में भी नहीं थी नेटवर्किंग, जो कर सकते उसके किस्मत में नहीं था हजारों लाखों कमाने की, अब आप नए लोगों को आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने लोगों को कैसे आमंत्रित कर रहे हैं, कैसे लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। याद रखना है दोस्त, इस बिजनेस में हमारी जो लिस्ट है वो हमारा रॉ मटेरियल है, हमारी गेस्ट की जो लिस्ट है वो हमारा रॉ मटेरियल है, आपको गेस्ट की लिस्ट रॉ मटेरियल पे काम करना पड़ेगा, हमेशा आपको नए लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी, हमेशा नए लोगों को आपको छांटना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं बिजनेस में ऊंचाई पे जाना, क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो आपके साथ बिजनेस में नहीं आएंगे, मान लिया आपने 15 से 20 लोगों की लिस्ट बनाई 30 लोगों की और उसमें सब लोगों ने मना कर दिया तो क्या करोगे, इसलिए आपको 100 से प्लस की आपको लिस्ट बनानी, और पर डे नए लोगों की आपकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, पर डे आप लोगों को आमंत्रित करें, इनवाइट करें, ये दो प्रोसेस आप करना स्टार्ट कर दिए तो इस डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको 3 से 4 महीने से यानी कि बनने में कोई बोर हो सकता 100% आपको कामयाबी मिलेगी। दो काम बहुत साफ करते, पहला आप लोगों को आमंत्रित करते रहिए, इनविटेशन करते रहिए, और दूसरा आप अपना रॉ मटेरियल बढ़ाते रहिए, जितना आपका रॉ मटेरियल होगा उतनी बड़ी आपकी बिल्डिंग बड़ी होगी। यस और नो? यस सर। होता ही नहीं होता ऐसा? यस सर। बिल्डिंग बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए ना? यस सर। नहीं होगा तो नहीं बन सकती? नो सर। नहीं है तो जिसकी ज्यादा जितनी बड़ी लिस्ट उतनी बड़ी उसको कामयाबी मिलेगी। तो हमें एक लगे करना है, लिस्ट बनानी है, जो लिस्ट हमारी होनी चाहिए वो दिन पे दिन आपकी बढ़ती रहनी। यस सर। नो? यस सर। आर यू रेडी? यस सर। इन पॉइंटों पे काम करेंगे। यस सर। श्री दोस्त, नेक्स्ट में बात करता हूँ आपसे, यदि हमें किसी गेस्ट को इनवाइट करना है, किसी भी गेस्ट को आमंत्रित करना है, तो एक फॉर्म का आपको इस्तेमाल करना है।
यदि हम गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं तो हमें फॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए। शायद फॉर्म कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, उस टॉपिक पे मैं बात कर लेता हूँ। यानी किसी भी गेस्ट को इनवाइट करना है तक फॉर्म का हमें इस्तेमाल करना। फॉर्म क्या है वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं देख लेता हूँ कुछ लोगों ने अभी क्या सीखा क्या नहीं सीखा, क्योंकि आपको पता है ना मैं जो चीजें सिखाता हूँ तो मैं पूछता जरूर। और ये ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि बड़ा लोग जितना एक्साइटेड शुरू में था उतना बड़ा सीओ थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। एक छोटा सा चुटकुला है जो शायद उनसे आपको समझ में आए। रेडी है, एक बात की बात है, तीन दोस्त होते हैं और तीनों दोस्त, एक का नाम होता है खो गया, ठीक है, यस सर, एक का नाम होता है पागल और एक का नाम होता है दिमाग। तीन दोस्त कोई भी, और तीनों का नाम होता है, एक का पागल, एक का दिमाग, एक का नाम होता है खो गया। अब तीनों लोग घर में पड़े रहते हैं काफी टाइम से पड़े रहते हैं। एक दिन मन में आता है, चलो यार आज घूम के आते हैं, दुनिया कैसी है, ठीक है चलो। अब तीनों लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। अब प्लानिंग करने के बाद में निकल लेते हैं घूमने के लिए, और चलते 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 एक स्टेशन पे पहुंचते हैं, रेलवे स्टेशन पे। और रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद खो गया। इनका तीसरा दोस्त होता है खो गया। अब बचे दो, एक का बच्चा पागल और एक बच्चा दिमाग। अब ये खो गया को ढूंढते बहुत परेशान हो जाते हैं, दिमाग को लग जाती भूख, और जो दिमाग को लगती भूख तो दिमाग क्या करता है, जलेबी खाने लगता है। लेकिन पागल जो होता है वो उसको खो गया को ढूंढते पुलिस स्टेशन चला जाता है। और जैसे पुलिस स्टेशन जाता है और जाने के बाद में वहां पे बोलता है कि साहब साहब खो गया। बोलता है हाँ बता क्या खो गया, बोलता है साहब खो गया। वो बड़ा परेशान कर लेता पुलिस वाले को, बोलता हाँ भैया बता तो क्या खो गया, बोलता साहब खो गया। बोलता अच्छा तू पागल है क्या, बोला हाँ मैं पागल हूँ, बोला तेरा दिमाग क्या है, बोला दिमाग जलेबी खा रहा है। तो रेडी, यस सर, खोए तो नहीं हो, नो सर, मौजूद हो ना, यस सर, ऐसा तो नहीं कि जलेबी दिमाग मस्ती कर रहा हो कहीं ना कहीं, नो सर, होता है ना ऐसा, यस सर, कि बॉडी प्रेजेंट लेकिन माइंड अब्सेंट होता है, बैठो तो यहाँ है, सर बोले यस सर, लेकिन दिमाग चल रहा है, क्या हो रहा है, जितनी जल्दी खाना खाने चाय पी रहे होता है ना, यस सर, घर पे क्या हो रहा होगा, बड़े ऐसे चलते रहते हैं, तो सभी लोग प्रेजेंट हैं, यस सर, फ्रेंड तो नहीं है, नो सर, चलिए नेक्स्ट बार फिर मैं चेक करूंगा, क्योंकि मेरे पास मशीन है चेक करने की, है ना, यस सर, पता चल जाएगा कि आप लोग प्रेजेंट हो या अब्सेंट। चलिए मैं बात कर रहा था दोस्त फॉर्म की, यानी किसी को भी जो हम आमंत्रित करते हैं, इनविटेशन करना है, तो हमें एक फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर्म क्या है, सबसे पहले एफ ओ आर, F, F का मतलब होता है दोस्त फैमिली का मतलब होता है परिवार, F यानी कि फैमिली यानी कि परिवार, मैं हिंदी में लिख देता हूँ। O यानी कि O का मतलब होता है ऑक्यूपेशन यानी कि काम काज, ये सुनो, काम काज। आज का मतलब होता है रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब होता है मौज मस्ती, M का मतलब होता है मनी यानी कि पैसा, और एक M का मतलब होता है मैसेज यानी कि संदेश, M यानी कि मनी यानी कि पैसा, ये हो गया हमारा फॉर्म।
फॉर्मूला इसका हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी इनविटेशन में बहुत कुछ सुधार आएगा, जहां से आप सीख सकते हैं कि हमें इनविटेशन कैसे करना है। अब इसके आगे में बात करें तो दोस्त, एक जो फैमिली है, फैमिली में दोस्त आ जाता है हमारा सी, यहां पे भी सी आएगा, यहां पे भी सी आएगा, यहां पे सी। अब हम बात कर लेते हैं सी। सबसे पहले सी का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है शाबाशी देना या संतावना देना, शाबाशी देना या संतावना देना। नेक्स्ट है सी, यानी कि हमारा कंट्रोल, यानी कि रुकना। सी हमारा आएगा क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब होता है जिज्ञासा जगाना। जिज्ञासा जगाना। सी हमारा आएगा कमिटमेंट, यानी कि वादा करना। ये हमारा है फार्मूला जो है फ्रॉम फॉर्म का। इस फॉर्म को यदि हम इस्तेमाल करते हैं इनविटेशन में तो बहुत ही कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब मैं डिटेल से बात करता हूं कि इसको हमें कैसे यूज करना है, इसको हमें कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताता हूं और आपसे एक दो लाइव डेमो भी करवाऊंगा। तो आर यू रेडी? यस सर। चलिए, टाइम तो ज्यादा नहीं हुआ, मैं आपसे बोला था एक ही डेढ़ घंटे बात करूंगा। रेडी? यस सर। चलिए मैं बात करता हूँ। सबसे पहले एप, एफ का मतलब होता है फैमिली। तो इसको हमें कैसे करना, सबसे पहले कॉल लगाना। जैसे मैंने मान लिया कॉल आया रमेश को, हेलो रमेश भाई कैसे हैं, नमस्कार, आपकी फैमिली में कैसे हैं सभी लोग, बोलेगा बहुत अच्छे। यदि वो बोलता है कि फैमिली में बहुत अच्छे हैं तब आपको करना है शाबाशी। चलिए बहुत अच्छी बात है, भगवान की दुआ बनी रहे, जो भी है सारी चीजें अच्छा रहना चाहिए। यदि वो बोल रहा है आपके परिवार में, आप उसके बारे में पूछ रहे हो कि कैसे हैं, क्या है, आंटी अंकल कैसे हैं, तो आपको ये जो बोल रहा है परेशान है, मम्मी एडमिट है, ये तो आपको संतावना देना। उस हॉस्पिटल में दिखा लो, उस डॉक्टर को दिखा लो, उन्हीं में माहौल में रहना। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें फैमिली के बारे में पूछना है। हेलो रमेश, घर में कैसे हैं सभी लोग, मम्मी पापा कैसे हैं, आंटी अंकल कैसे हैं, भाई लोग कैसे हैं, यही तक सीमित रहना। ठीक है? यस सर। कहीं बहन के बारे में ना पूछना, कुछ लोगों को पूछ सकते हैं, जैसे वैसे कुछ लोगों को वो हो जाता है कि ये क्यों पूछ रहा है, वो नहीं होता। तो आपको सीमित रहना है फैमिली तक, अंकल आंटी भाई। आर यू रेडी? यस सर। चलिए नेक्स्ट है हमारा काम का। जाहिर सी बात, आप उससे पूछोगे फैमिली के बारे में, आपका दोस्त है रमेश, तो आप पूछोगे और बता रमेश भाई क्या चल रहा है आजकल, क्या काम हो रहा है आजकल। रमेश बोलेगा पढ़ाई कर रहा हूँ, रमेश बोलेगा फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, रमेश बोलेगा यार घूम रहा हूं, कुछ भी बोल सकता है, जो होगा ये सब। जैसे ही आप उसके काम के बारे में पूछोगे तो कहीं ना कहीं वो भी काम के बारे में पूछेगा। अरे यार ये बता रमेश भाई, चल क्या कहते हैं, मैं यार पढ़ाई कर रहा हूँ यार, काम कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ तू क्या कर रहा है। जब वो आपसे पूछे कि तू क्या कर रहा है तो आपको यहाँ पे सी कंट्रोल, जो शायद हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। हम क्या करें, जैसे पूछा भाई साहब क्या कर रहे हो, अरे भाई ऑफिस में काम कर रहा हूं, न्यूट्रिशन हेल्थ कहता है, ये बड़ा कुछ बोल देना। अब वो उसकी वहां पे जिज्ञासा खत्म हो जाती है, वो पूछेगा नहीं। तो हमें यहाँ पे कंट्रोल, रुकना है, वेट। सबसे पहले काम के बारे में उसके पूछ लेना कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। जब जैसे ही वो आपके काम के बारे में पूछे तो कंट्रोल रुक जाना है, बोलना है अरे यार मेरा भी बहुत, लेकिन ये भी ना बोलना है छोड़ सर, अरे यार मेरा भी बहुत अच्छा ऑफिस में काम लग गया है, अरे मेरी छोड़ यार तू अपनी बता कैसे क्या है क्या नहीं। अब कहां पे आ जाना है, मौज मस्ती, रिक्रिएशन, मौज मस्ती, मौज मस्ती मारा, अरे छोड़ यार ये बता, अरे यार वो मूवी देखने गए थे, मूवी की बात करना, और या कोई आपके साथ कोई फनी कमेंट हुआ हो वो बात कर लेना, या आपकी ऐसी वैसी गर्लफ्रेंड की बात होती है तो वो भी कर लेना, चलता है ये। सुनो बात, और बता बाकी कैसी है,
क्या हो रहा है, क्या नहीं, रिक्रिएशन जैसा भी हो वैसा आप रिक्रिएशन कर सकते हैं, मौज मस्ती करनी है। क्योंकि देखो जब रिक्रिएशन मौज मस्ती करोगे तो वहां पे उसको चीजें क्लियर, आपके यहाँ पे बातचीत करने का तरीका बनेगा, आपका थोड़ा और ग्रोथ एंड रिलेशन बन जाएगा जब रिक्रिएशन मौज मस्ती करोगे। नेक्स्ट, जैसे ही मौज मस्ती का आता है आपको जिज्ञासा जगाना है तुरंत, अरे यार मैं ऑफिस में जो काम करता हूँ बड़ा गजब का है, बड़ा मजा आता है यार, फिनिक्स मॉल जाता हूँ दोस्तों के साथ घूमने के लिए, जाओ फोटो तो खींच लिया, अरे यार वहां गया था बड़ा मजा आया, अरे यार यहाँ पे दोस्त है मेरा हाँ वो बड़ा मजा उठाता है, बड़ा बढ़िया बंदा है यार, दो तीन घंटे का काम रहता है बिंदास तरीके से, आप उसे ऐसी ऐसे पॉइंट मारो जिसको उसे जिज्ञासा रहे, वो फिर पूछने पे मजबूर हो जाए, अच्छा बताया तू करता क्या है, उन्हें बताया नहीं अभी तक क्या, अब उससे आप बताओ, अरे यार जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं वो बहुत ही बेस्ट, बहुत ही अच्छा, और जाहिर सी बात जब उसे आप जिज्ञासा जगाओगे तो जाहिर सी बात पूछेगा, अरे यार रमेश भाई यहाँ तू काम करता है मेरा भी बुरा लगता है। तो जब इंसान को आप जिज्ञासा जगाओगे, कैरियोसिटी उसके अंदर पैदा करोगे, तो उसके अंदर एक उत्साह जगेगा, यार मुझे भी जाना चाहिए इसके साथ, तब वो आपसे बोल देगा, कहेगा यार मेरा भी हो कोई जुगाड़, मेरा भी कोई काम हो करवा दो। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बोलना है हाँ हो जाएगा नहीं, आपको वही चीज अपनाना है, सबसे पहले आप जब उनको बता रहे हो सारी चीजें तब सीधा बोलो, एक भाई यार ऐसे तो भी ना काम नहीं करता, हाँ तू मेरा अपना दोस्त है, तू अपना मेरा भाई है, तू अपने मेरा रिलेशन वाला है, चल तेरे लिए सबसे बात करता हूं मैं, देख क्लियर तो भी नहीं बता रहा काम होगा कि नहीं होगा, मना भी करे एकदम से ना बोले चल ठीक है मैं करता हूँ बात और जैसा होगा उस तरह, लेकिन एक बात याद रखना मुझे कॉल कर लेना 11 बजे के टाइम पे, देख मैं बिजी रहता हूँ ऑफिस में, बाई चांस मैं भूल गया ना कॉल कर पाया तो, तू करना चाहता वाकई में काम कल 11 बजे मुझे कॉल कर लेना, होगा काम मैं तुझे बता दूंगा, वैसे कॉल याद रखना कॉल नहीं करेगा तो होगा, अब आप उसका वेट करो 11 बजे तक, वो कॉल कर रहा है तो समझ लो थोड़ा एक्साइटेड है, कॉल नहीं कर रहा है तो आपको कॉल करनी नहीं है, पहले बताएंगे कॉल करेगा तो क्या करेगा, अब उसने कॉल कर दी 11 बजे, हेलो भाई यार सबसे बात की थी, पहली कॉल करे तो आप उठाओगे, दूसरी कॉल करे ना उठाओ, 4-5 मिनट बाद बैक कॉल करोगे, तो हेलो अरे यार हाँ पता पता क्या यार काम कर रहा था सर ऑफिस में, इसलिए फोन नहीं उठा पाया, एक दो कॉल किया कर यार, तू तो फोन ही करता रहता है, हाँ यार पता है आपने चुपके से बात करने आया हूँ, हाँ बता, अरे भाई वो काम के लिए बात किया था कि नहीं किया था, अरे यार याद दिला दिया तूने, चल ठीक है मैं अभी सर से बात करके बताता हूँ, और अभी कोई क्लियर नहीं है मैं बात करता हूँ, ठीक ठीक तूने अच्छा रहा याद दिला, कट करने के बाद अब आपको जो है क्या कहते हैं 1-2 घंटे बाद फिर आप कॉल, 1-2 बजे लंच टाइम बाद कॉल करो, हाँ बता भाई मैंने बात तब कर दी है सर से, काम वाम हो जाएगा टेंशन वाली बात नहीं, लेकिन यार तू कर नहीं पाएगा, अब ये वर्ड उससे यार तू कर नहीं पाएगा, जब ऐसा किसी को बोलेगा तो लोग बोलेगा क्यों नहीं कर पाऊंगा, यानी उसके अंदर थोड़ा वो आ जाता है, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा, अब बोले पूछे क्यों नहीं कर पाऊंगा, बोलेगा दे यहाँ पे लगता है पैसा, यहाँ पे लगता है पैसा, लगता है, बोले हाँ बोले कितना पैसा लगता है, उसका सवाल लेगा कितना, अरे यार ज्यादा तो नहीं लगता है कम से कम लगता है 50-60 हज़ार रुपये तक लगेगा, तो ये अच्छा पता लगा सकता है तो आगे प्रोसेस बात करूँ सर से, वैसे रहने दो, बोलेगा यार इतना पैसा कहाँ हो पाएगा कैसे क्या है क्या है, अरे यार मजाक कर रहा था इतना पैसा नहीं लगेगा, छोटा सा छोटी सी इन्वेस्टमेंट लगेगी, कम पैसा लगेगा, कितना आए 12-13 हज़ार रुपये लगेगा, मैंने बात कर लेगी टेंशन ना ले, ठीक है बता पैसा कर सकता है तो मैं आगे बात करूं सर से, वैसे रहने दे मैंने तो बात कर ली है, मेरे दोस्त है मैं उसका करवा देता हूँ, रहने डायरेक्टली उसे मना करें, और बोलेगा देख कर सकता है पैसे का, बोलेगा हाँ हाँ कर सकता हूँ, बोले ठीक है कर सकता है पैसे तो मैं आगे तेरा प्रोसेस ऐसा कर, तो अपना रिज्यूम सेंड कर, आधार कार्ड सेंड कर, सारी चीजें मैं तेरा क्लियर करवा देता हूँ, लेकिन याद रखना जब मैं तेरा अप्लाई करवा दूं सारी चीजें ये देख अभी बता दे मुझे, वरना मेरी बेइज्जती का सवाल है, कल में तू बोल दे मेरे पास पैसा नहीं हो पा रहा है, कल बोल दे मेरा यार प्रॉब्लम हो गई, पहुंचना पड़ेगा तुझे, आज ही बता दे वरना मेरी बेइज्जती होगी, बोलेगा नहीं यार पहुंच सकते हैं सारी चीजें, चल ठीक है रखते हैं सामने बात, अब शाम में
कॉल उसका खुद आएगा, तुमको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद बार बार कॉल करेगा, क्या होता है क्या नहीं होता है। एक भाई फॉर्म को अप्लाई करवा दिया, सारी चीजें डन हो गई, सब कुछ, बस सर तब तू इंटरव्यू की तैयारी कर ले, जितना तेरा अच्छी तरीके से इंटरव्यू जाएगा उतना ही तेरा काम अच्छा हो जाएगा। ऐसा कर, दुकान पे चला जाना, जनरल नॉलेज की बुक ले आना, 5-10 रुपए की मिलेगी, और अच्छी तरीके से तैयारी कर ले। जैसा आज हम नहीं बोल रहे, नहीं कर, देख सर्टिफिकेट अपने सारे कंप्लीट कर ले, फोटो खिंचवा छुआ के कुछ खिंचवा के मंगाओ, सारी चीज कर ले, इतने इतने फोटो लगेंगे, 4-5 फोटो लगेंगे, पासपोर्ट साइज, और ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, पैन कार्ड वगैरह ना हो तो बनवा ले, ये सारी चीजें खाता ना हो खुलवा ले, सारा काम कर ले, ये सारी चीजें आप करवा, और करवाने के बाद फिर आप डेट, मेरे दोस्त जो आप डेट बताओगे यदि आप इस फॉर्म पे इस फार्मूले पे आप अप्रोचिंग करते हैं तो आपको 100% में दोस्त गेस्ट आपका आ सकता है, बस सर इसको आपको फॉलो करना। वैसे तो अप्रोचिंग का कोई फंडा नहीं होता है, आप जैसे चाहे वैसे बुला लें, जिस इंसान को सीखना है कि हमें आमंत्रित कैसे करना है, इनविटेशन कैसे करना है, उसे ये फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, और एक बार इस फॉर्मूले को अपना लेगा तो सारी चीजें बेस्ट। यस सर, यस सर, समझिए सभी लोग, यस सर, फिर से रिपीट कर दे एक बार, यस सर। चलिए पहले फैमिली परिवार के बारे में पूछना, हेलो रमेश भाई कैसे हो, घर में कैसे सब लोग, अंकल आंटी कैसे, सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया, अच्छे हैं तो संतावना देना है। नेक्स्ट, और मोहन भाई क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, भाई ये काम वाम कर रहा हूँ, वो आपके बारे में काम के पूछता है तो रुक जाना है, कंट्रोल। नेक्स्ट, अब आपको मौज मस्ती रिक्रिएशन करना है, मौज मस्ती रिक्रिएशन के बाद में हो जाती, फिर आपको उसके अंदर जिज्ञासा जगानी अपने काम की, कि वो जिज्ञासा जगाएंगे और फिर से पूछेगा भाई करते क्या हो यार, मेरा भी जुगाड़ करवा दो, जब बोले मेरा भी काम करवा दो तो आपको बात करनी है, आप परेंसर के बारे में तुरंत उसे काम देना नहीं है, फिर उसे पैसे के बारे में करना है, फिर लास्ट में चाहे कमिटमेंट सी यानी कि पैसे की, तो इंसान थोड़ा रुक जाता है, कहता यार मैंने पैसा लगा दिया कहीं फंस गया तो क्या होगा, यार ऐसा हो गया तो क्या होगा, तो ये आता है कमेंट। देख भाई जो पैसे लगा रहा है तो तेरे हाथ से, तेरे ऊपर पैसे लगेंगे, कंपनी में ना घूस लगती ना सिक्योरिटी जमा होती, फ्री में तेरा करवा सकता हूँ, लेकिन जो पैसा लगेगा वो तेरे ऊपर लगेगा, किस लिए लगेगा वो भी आप उसे बता दे। देख रहने की रूम की सुविधा तुझे चाहिए तो हमारे यहाँ पे इतना इतना पैसा लगेगा, ऑफिस में हमारे इस काम को शुरू करने के लिए इतना इतना पैसा लगेगा, ये चीजें, और जो भी पैसा लगेगा तेरे, ये सब ये चीजें आप उसे बता दे, और यहाँ पे पैसा फंसने की पूरी गारंटी नहीं, कमिटमेंट करना पड़ेगा, तेरा पैसा एक भी रुपया गलत जगह पे लगेगा नहीं, गलत जगह पे लगता है पैसा तेरा फंसता है तो पूरा पैसा मैं देने के लिए कमिटमेंट है वाला, ये तुझे विश्वास है पैसा लगा सकता है तो आ जा, वैसे जैसे आप ये वर्ड बोलते हैं कमिटमेंट का, वादे का, तो इंसान के अंदर एक विश्वास आ जाता है, चल यार अपनी बन जाए, गलत जगह पे थोड़ी ना लगा, वो तो है ही यार, इस तरीके से कह के आप उसे बुला सकते हो, इनवाइट, और जैसे वो बंदा इस कमिटमेंट को करेगा तो भाग के आएगा तो अपने आप पैसा लगाएगा, उसकी राजी खुशी से लगवाएंगे, क्योंकि हम गलत जगह पैसा लगवाने वाले नहीं। जो पैसा लगेगा आईडी कटेगा उससे तुरंत प्रोडक्ट मिलेगा, नेक्स्ट पैसा लगेगा उससे कंपनी की तरफ से ऑफिस की तरफ से सुविधाएं मिलेगी, रूम का खाना, ये स्टार्टिंग में आता है काम को देखता है अच्छा नहीं लगता है तो अपना पैसा ले लेगा, अच्छा लगता है पैसा जमा के काम को, तो इस फॉर्म को हमें अपना, आर यू रेडी, यस सर, करेंगे, यस सर। चलिए नेक्स्ट हमारा बताया कि हम